हेलो, गुड मॉर्निंग। आज सुबह के बज चुके हैं 5 और आज तारीख है 20। तो आज का ये मेरा पहला दिन है और पहला वीडियो है और पहली शुरुआत है कुछ नई शुरुआत के साथ। मैं कुछ नया कुछ करने जा रहा हूँ। तो अभी बस मुझे बस सो के उठा हूँ। अभी बस रेडी होके मुझे बस निकलना ही है और फिलहाल मैं चाय नाश्ता कुछ देखता हूँ, कुछ करता हूँ। तो अभी मैं निकलता हूँ। तो अभी रेडी वेडी होके मैं आपसे मिलता हूँ। अभी मैं रेडी हो चुका हूँ और ये मेरा बैग पैक है और ये भाई ने मुझे भाई है, दोस्त है, और ये मेरे को छोड़ेंगे, हाईवे तक ड्रॉप करेंगे, फिर वहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट होगी। तो अभी चलते हैं हाईवे के लिए। तो अभी मैं निकल चुका हूँ, जो कि मेरा ये पहला ही चैकिंग है। सही चैकिंग बोले तो मतलब भाई है जो विकास भाई है, ये मेरे फ्रेंड, और ये मुझे हाईवे तक, एक्सप्रेस हाईवे तक मुझे ड्रॉप करेंगे। फिर वहाँ से मेरा हिचहाइकिंग चालू होगा, जो पहले थाने के लिए जाएगा, फिर थाने से पुणे, फिर ऐसे ऐसे करके पूरा गोवा तक का रहेगा। तो अभी देखते हैं आगे का कि हम आगे की जर्नी अपनी कंटिन्यू करते हैं। चलो। तो अभी भाई ने मुझे यहाँ तक छोड़ दिया है और यहाँ से मैं पहला हिचहाइकिंग करूँगा। यहाँ से कोई गाड़ी रोकूँगा, यहाँ से लिफ्ट लूँगा। तो अभी मेरा ये जो है बोर्ड वो रेडी हो चुका है। अभी यहाँ पे आपको उल्टा दिखता है क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे शूट कर रहा हूँ। तो पहले थाने या पुणे के लिए मैं कोई भी गाड़ी को मैं लिफ्ट लूँगा। भाई अकेले तो काफ़ी नर्वस हो रहा हूँ, लेकिन देखते हैं कि पहले लिफ्ट मांग रहा हूँ। अगर कोई गाड़ी वाला सर रुकता है तो फिर मैं आपको बताता हूँ। भाई मुझे कब से दे क्या पता था लिफ्ट दे रहे। भाई बस देखते ही चले गए यहाँ से। दस मिनट तो हो गया रहेगा मेरे को यहाँ पे खड़े हो गए। एक भाई मुझे मिले जो पहला मेरा चेकिंग की और चेकिंग के लिए मुझे लिफ्ट दे रहे। तो फिलहाल ये मुझे थाने के लिए ही जा रहे थे। ये आपका नाम? मनीष पाटिल। मनीष पाटिल और सर अजय पाल सर। ये तो हम लोग जाते हैं। तो भाई फिलहाल के लिए जा रहे थे गैस भरने, CNG ना, CNG के लिए जा रहे थे वहाँ पे फिल कराने के लिए। तो अब वहाँ तक अब मुझे ड्रॉप मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू सर। ये लास्ट वीडियो है भाई भी काफ़ी यूट्यूब पे देखते हैं, जैसे कि इन्होंने नो वाइज एक इंडियन दीपांशु भाई का चैनल है उनका देखते हैं, और नोमा शुभम वो काफ़ी इंस्पायर उनसे भी, और उनकी काफ़ी वीडियो देखते हैं, और वो भी मैं भी उनकी सारी वीडियो देखता हूँ। सारे मतलब जो मुझे अच्छे लगते हैं उनको देखता हूँ और कंटिन्यू भी, और ज़्यादातर तो मैं एक ही राज की वीडियो देखता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। अभी यहाँ पे हम आ चुके हैं और भाई ने चाय ऑफर किया है, तो भाई के साथ हम चाय पियेंगे। अभी भाई के पास काफ़ी नॉलेज है यार, भाई ने ऑटोमोबाइल भी किया है, और ये फिलहाल कुछ बोलते ना फैमिली का कंडीशन है, जैसे मैं हूँ, जैसे मैं आपको बताया था अपने पिछले इंट्रो में, तो वैसे ही यार कि अभी ये ऑटो चला रहे और फिलहाल इनका भी बहुत शौक है कि ये ट्रैवलिंग करे, और ये फिलहाल जाते भी है, मतलब यूट्यूब के लिए नहीं, मतलब घूमने का इनका बहुत शौक है। तो इन्होंने भी लगभग 2-4 जगह जाके घूम चुके हैं। तो अभी भाई के साथ चाय पीते हैं और यहाँ से अभी एक 1.5 या 2 किलोमीटर और है ना भाई? 1.5-2 किलोमीटर, 1.5-2 किलोमीटर और है। तो वहाँ पे हम जाके रुकते, फिर हमारी चाय आ चुकी है, तो हम चाय पी के फिर आगे के लिए स्थान करते। तो मनीष भाई के लिए मतलब मैं यहाँ पे, भाई ने मेरे को ड्रॉप कर दिया है। मनीष भाई का मेरे साथ में यहाँ तक का सफ़र था और मेरा सफ़र यहाँ से अकेले है, और भाई को थैंक यू सो मच भाई। और भाई का मैंने वैसे नंबर भी लिया, मैंने आपको बताया था कि मैंने एक डायरी भी रखा है मैंने, तो डायरी में मैंने जब तक जहाँ भी जाऊँगा वहाँ पे लोगों का नंबर, मतलब जो लोग मुझे हेल्प कर रहे हैं, जो मुझे ड्रॉप करने, उनका नाम नंबर मैंने लिख के रखा है। तो भाई चलो, थैंक यू सो मच, कभी और मिलते हैं। थैंक यू भाई, कभी और मिलेंगे। चलो थैंक यू, जरूर जरूर। ये रहने के लिए हमारे यहीं पे ही है फिलहाल, तो इन्होंने पूछा है मेरे को। चलिए, थैंक यू सो मच।
भाई के में भाई के मनीष भाई के ऑटो में मैं अपना ये बोर्ड भूल गया था, तो उन्होंने फ़िलहाल मुझे वापस ला के दिया है। तो अब यहाँ से फ़िलहाल मैं आगे के लिए लिफ्ट लेता हूँ, कि मैं भाई ने काफ़ी दूर तक मुझे छोड़ दिया वैसे तो। तो फिर लेट्स सी, वापस देखते हैं अगला लिफ्ट कहाँ तक हमें मिलता है, तो हम आगे बताएंगे जाते हैं। अभी टाइम हो गया है लगभग 8:45 में मैं यहाँ तक आया हूँ। तो अभी मैंने बैग रख दिया यार मेरे को, इधर काफ़ी वजन हो गया था यार लेके खड़ा था, मतलब यार जब खड़ा ही हो नया लिफ्ट लेना ही है तो बैग रख के लिफ्ट लेता हूँ। तुम पूरा जाओगे? हाँ, अभी मुझे अंकल ने मुझे लिफ्ट दी है कि यहीं पे रहते भी है, तो मुझे यहाँ 1 किलोमीटर के लिए लिफ्ट मिल गया। अभी मुझे रवि भाई ने 1.5 किलोमीटर का लिफ्ट दिया है, तो अभी यहाँ पे मैं वापस आ चुका हूँ। तो आगे के लिए देखते यार, सच में यार बहुत प्रॉब्लम होती है, और कितने लोग को लग रहा है कि मैं कुछ बेच रहा हूँ यहाँ पे बोर्ड लगाया हूँ, और शायद मैं सेल्फी स्टिक बेच रहा हूँ, उनको ऐसा लग रहा है। तो यार यहाँ से जितनी भी गाड़ी आएंगी मुझे लिफ्ट लेना है, लिफ्ट लेके सीधा आगे जाना है। यहाँ से पुणे और नासिक हाईवे लगभग बता तो रहे कि कोई 15-18 किलोमीटर बता रहा है, कोई 10 किलोमीटर बता रहा है, ठीक है देखते हैं। अभी कम आधा घंटा यहाँ पे खड़ा था, सर मुझे मिले। सर आपका नाम? सर प्रकाश। तो ये हेलो सर है और ये मैडम है। तो इन्होंने मुझे देखा तो यूटर्न लेके फिर मुझे यहाँ पे ड्रॉप देने के लिए आ रहे। मैं फिलहाल जा रहा हूँ पुणे और नासिक के हाईवे, मतलब जो मुझे गोवा के लिए हाईवे प्रॉपर मिल जाए। अच्छा, तो वहाँ के लिए ओके। तो आप फिलहाल जहाँ भी जा रहे हो वहाँ बीच में जो ड्रॉप कर दोगे, ये भी जहाँ भी मेरे को ईजी लगेगा। ओके चलिए, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। तो आज के दिन में मेरे को फ्रॉम वेरी आर कमिंग सर, मैं विरार वेस्ट। विरार वेस्ट? हाँ सर। तो मैं वहाँ से, आज मेरा ये लगभग चौथा लिफ्ट है, तो लिफ्ट लेते लेते यहाँ से मैं आ गया हूँ। तो ये उनके दो बच्चे हैं। आपका नाम? सुमेर। सुमेर आपका नाम? सार्थक। मेरा नाम अजय, अजय पाल। आप यहीं पे सर, यहीं रहने के लिए यहीं पे थाने में? तो रहने के लिए सर हैं, फिलहाल आज संडे है, तो मुझे लगा कहीं काम से आते रहेंगे, लेकिन सर ने बोला नहीं, घूम रहे थे कि संडे भी है, और फिर इन्होंने देखा तो यूटर लेके मेरे को ड्रॉप दे रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, वेलकम। हेलो, तो मुझे 10 किलोमीटर सर ने ड्रॉप किया है, ये उनकी फैमिली है, और मैं वहाँ पे कम से कम आधा घंटा तो लगभग खड़ा था, तो लोग आके मुझे पूछ रहे कहाँ जाना है, लोगों को लगता है मैं कुछ बेच रहा हूँ या सेल कर रहा हूँ ऐसा। तो मुझे सर ने यहाँ फिलहाल छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया है। यहाँ से मुझे सर ने मुझे गाइड किया कि यहाँ से आपको इजीली मुझे मिल जाएगा, और सिंपली मुझे इजीली मिल जाएगा गाड़ी कोई भी, और ये उनकी फैमिली है। तो एक तो फोटोशूट के लिए मुझे फ़ोटो भी लेना था। हाय बोलो। हाय यार, सीरियसली ये अंकल आंटी बहुत अच्छे थे, जो मुझे यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर का मुझे ड्रॉप दिया है। तो मुझे यहाँ से कोई गाड़ी का लिफ्ट लेना है, जो मुझे नवी मुंबई के लिए यहाँ के लिए जाना है, तो यहाँ के लिए मुझे जाना है। तो अभी आगे देखते हैं आगे का ड्रॉप कैसे मिलता है क्या है उसके लिए। तो मैंने अभी फ़िलहाल मैंने अपने बोर्ड पे भी लिख दिया है कि नवी मुंबई के लिए जाना है, क्योंकि मुझे उन्होंने गाइड किया कि नवी मुंबई जाओ ज़्यादा बेटर लगेगा उसके लिए। थैंक यू। तो अभी मुझे वहाँ से वो मैडम लोग ने मुझे कार से मुझे लिफ्ट दिया था वहाँ पे, तो 5 से 7 मिनट में वहाँ पे रुका, तो ये चाचा मुझे मिल गए हैं, जो 1 से 1.5 किलोमीटर का उन्होंने बता रहे कि आगे तक मैं जा रहा हूँ, आपको वहाँ पे छोड़ सकता हूँ। तो इनके लिए थैंक यू। आप रहने के लिए यहीं पे होंगे? हाँ, अच्छा यहाँ पे एरोली में रहते हैं। तो यही जर्नी है जो चालू हुई है? नहीं, ये कलवा है। ओके, इसके आगे एरोली है, एरोली यादव नगर है। एरोली यादव नगर? एरोली यादव नगर में रहता हूँ, रहते हैं चाचा। तो मुझे यहाँ पे ड्रॉप कर रहे हैं, तो वैसे भी टाइम भी हो चुका है। टाइम कितना उतरेगा? 10:38 टाइम हो चुका है। तो अभी देख सकते हो कि मैं सुबह 6 बजे से लेकर के 4 घंटे मैंने कितना किलोमीटर किया है, कुछ नहीं तो मेरे हिसाब से अगर मैं 70 से 80 किलोमीटर लगभग मैं ट्रैवल कर चुका हूँ। अभी 11 बज गए हैं और मैं अभी थाने में ही हूँ, नवी मुंबई के लिए लिफ्ट ले रहा हूँ। तो ये मेरा 5वां लिफ्ट था मॉर्निंग से अब तक का, तो उम्मीद करता हूँ यार दिन तो अच्छा जा रहा है, दिन अच्छा जा रहा है, मतलब सुबह तो अच्छी गई है, पूरा दिन देखते ही क्या है। तो
40 मिनट हो गए मेरे को यहाँ पे खड़े हो गए, अभी तक भी लिफ्ट नहीं मिला है। कोशिश जारी है, 40 मिनट से खड़ा है तो आगे भी देखते हैं यार। बहुत काफ़ी बहुत धूप है यार, और एक घंटे तक मैं वहाँ पे खड़ा था धूप में, तो लगभग कोई मुझे लिफ्ट नहीं मिल रहा था। तो ये भाई शुभम भाई है जो ऑफिस जा रहे सर, हाँ ये ऑफिस के लिए जा रहे थे, तो इन्होंने यूटर्न लिया और रिटर्न मेरे पास आया। तो सामान तो काफ़ी था मेरे पास, आपको पता है कि आगे ये पीछे मैंने ये रखा है बैग है, और मेरा आगे भी मैंने इनके पास बैग रख दिया है। स्कूटी था तो ये बेस्ट था कि मैं मैनेज हो गया, और यहाँ से मेरे को 23 किलोमीटर का डिस्टेंस है भाई, मुझे परमिल हाईवे पे जो ड्रॉप कर देंगे। तो वहाँ पे प्रॉपर जो मैं सुबह सोच के निकला था कि मैं हाईवे पर पहुँच जाऊँ तो मैं इजिली आगे जाके मैं जा सकता हूँ, तो भाई फ़िलहाल मुझे वहाँ तक तो मुझे ड्रॉप कर देंगे भाई ने, मुझे यहाँ पे छोड़ दिया सुबह भाई ने। तो यहाँ से भी यहाँ से मुझे डायरेक्ट गोवा के लिए, या मतलब सेम यही रास्ता है वहाँ से मैं जा सकता हूँ। तो मुझे जहाँ तक मुझे हाईवे तक आना था भाई ने मुझे वहाँ तक ड्रॉप तो कर ही दिया है, इसलिए थैंक यू मच भाई, भाई चले जाए, थैंक यू, मिलते। 12:20 हो रहे हैं, तो फिलहाल मैं चाय पीता हूँ, चाय पीने के बाद चाय पी के मैं आगे जाता हूँ। यार यहाँ पे पूरा 2 बज गया अब तक, 15 मिनट बाकी 2 बजने को, और एक भी लिफ्ट अभी तक कुछ नहीं मिला यार। एक लिफ्ट मिला भी था तो वो दूध का टैंकर था, वो कोल्हापुर तक के लिए जा रहा था, तो एक बार एग्री हो गया, बट बाद में उसको पता चला कि भाई ये लिफ्ट मांग के जा रहा है। तो उसको तो मैंने बताया कि भाई लिफ्ट मांग के जा रहा हूँ मैं, ऐसा मुझे मैं पे नहीं करने वाला ऐसा, तो उसने तो हाँ बोला, बाद में बोलता है नहीं नहीं ये वो, तो बोला चलो ठीक है जान दो, अभी क्या ही बोलूँगी, शायद अब सीधी सी बात है वो भी यार पैसे कमाने निकला है या पैसे के लिए, तो उसकी भी कोई गलती नहीं है, बट जो भी है ठीक है। तो मैं सांगपाड़ा में आके खड़ा था लगभग 2 घंटे तक, जैसे आपने देखा था मैंने आपको वीडियो में बताया था कि मैंने अभी मुझे नीलेश भाई मिले, तो ये मुझे ड्रॉप कर रहे हैं पुणे तक, तो यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर है, तो 150 किलोमीटर की जर्नी ये इनके साथ रहेगी, फिर आगे का देखते हैं हम लोग, और फिलहाल वहाँ पे पहुँचने के बाद देखते हैं। और सीरियसली यार आज इतना मैं परेशान हुआ ना, तो मतलब जो मुझे 5 लिफ्ट जो अच्छे से मिले थे, 5 से 6 जो लिफ्ट वो मुझे प्रॉपर फटाफट जल्दी जल्दी मिल गई, तो अच्छा भी लग रहा था, और थोड़ा नर्वस हो गया मैं उस वक्त जब मुझे यहाँ पे 1.5 से 2 घंटे तक मुझे खड़े रहने पड़े थे। तो अभी भाई मिले जिनके साथ जा रहे, और ये फिलहाल ये ट्रैवलिंग चलाते, ट्रैवल का ही काम करते हैं ये, गाड़ी चलाते, और इन्होंने मुझे पहले देखा तो इनकी गाड़ी में था CNG वगैरह नहीं था, तो ये जाके CNG फिल कराने के बाद इन्होंने आए, तो उन्होंने सोचा कि जब रहेंगे तो फिर क्यों लेके आता हो, तो फिलहाल इन्होंने मेरे को पहले देखा तो अभी मुझे ड्रॉप दिए। तो अभी चलते हैं, 150 किलोमीटर की है, और ये है यहाँ से फिर पुणे से गोवा कितना किलोमीटर रहेगा अंदाज, फिर भी 300-400 के लगभग फिर पुणे से गोवा पड़ेगा अपना, तो चलते हैं फिर आगे। यहाँ पे पहले मैं चाय और नाश्ता वगैरह कुछ कर लेता हूँ यार, भूख भी लगी है काफ़ी,
मैंने चाय नाश्ता वगैरह कर लिया है, तो अभी वापस सेम जा रही है वही काम, लिफ्ट लेना है वापस। अभी फ़िलहाल मैं पुणे पहुंच गया हूँ, पुणे से अभी मुझे गोवा के लिए दिखता कोई लिफ्ट मिलता है। फिलहाल मैंने अपने ये बोर्ड पे मैंने लिख के रखा है कोल्हापुर के लिए, क्योंकि यहाँ से जो भी गाड़ी जाती है कोल्हापुर भी जाती है, गोवा भी जाती है, तो इसलिए कोल्हापुर इसलिए लिखा कि वो इजी पड़ता है। ये देखते हैं यहाँ से जितनी भी गाड़ी आएगी सबसे मैं लिफ्ट लेता हूँ और इस तरफ जाऊँगा। ये इस तरफ है गोवा, कोल्हापुर पड़ता है। देखते लेट्स सी कि अगला टाइम कैसे जाता है हमारा। अभी 7 बज चुका है और मैं यहाँ से लगभग 1.5 घंटे से खड़ा हूँ, तो कोई लिफ्ट मिल नहीं रहा है। और तो अभी देखता हूँ, आधा घंटा और ट्राई करता हूँ, आधा पौना घंटा ट्राई करूँगा लिफ्ट के लिए। अगर मिला तो ठीक है, वरना यहीं पे कहीं अपना कैंपिंग लगाऊँगा आगे कहीं बात करके कहीं सेफ जगह पे। तो फिर रात भर वहाँ पे रुकूँगा, तो कल सुबह वहाँ के लिए वापस उठ के हिचकिंग करूँगा गोवा के लिए। तो फिलहाल देखता हूँ, आधा घंटा और रुकता हूँ, लगभग 7 तो बज ही गया है यार, तो अभी देखता हूँ थोड़ा टाइम और रुक के, जो होगा तो बेस्ट है। तो मैं अभी देखो पुणे में, पुणे आके मैं लगभग 1.5 घंटे तक मैं खड़ा था लिफ्ट के लिए, कोई मिला नहीं। तो भाई आपका नाम क्या? निखिल। निखिल निखिल भाई मुझे मिले हैं, ये वही आगे की तरफ जा रहे थे गोवा की तरफ, बट ये 15 किलोमीटर मुझे वहाँ से ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि वहाँ से उनका घर है, ऑफिस कुछ क्या घर ऑफिस है, ऑफिस है उनका, तो ऑफिस की तरफ जा रहे थे, तो वहाँ तक मुझे 15 किलोमीटर का लिफ्ट मिला है। तो फिर वहाँ पे जाने के बाद फिर देखता हूँ यार कुछ लिफ्ट मिले, 15 मिनट और वेट करूँगा, उसके बाद नहीं हुआ तो मैं कहीं ढाबे पे या मंदिर में, मतलब कहीं बेस्ट जगह पे जहाँ पे मैं सेफ रहूँ, वहाँ पे अपना टेंट लगाऊंगा और वहाँ पे कुछ कैंपिंग करूँगा, कुकिंग करूँगा, देखता हूँ। तो आगे चलो, मैं जैसा भी रहेगा मैं आपको ब्लॉग में बताते रहूँगा। थैंक यू सो मच भाई, निखिल भाई। अरे थैंक यू, क्या आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अभी भाई ने, निखिल भाई ने मुझे यहाँ तक ड्रॉप किया है, तो अभी यहाँ से अभी देखता हूँ आधा पौना घंटा यहाँ पे रुकता हूँ लिफ्ट के लिए। तो भाई ने मुझे बहुत हेल्प किया, 15 किलोमीटर की जगह मुझे असल तक भाई ने 20 किलोमीटर मुझे छोड़ दिया है। तो अभी यहाँ से मैं दूसरा लिफ्ट लेता हूँ, अगर आधा घंटा और रुकता हूँ, नहीं तो फिर आगे देखता हूँ रेस्ट करने के लिए मिल जाए तो मैं वहाँ पे टेंट वगैरह अपना लगा के रेस्ट कर लूँगा, कल सुबह निकलूँगा। पहले आधा घंटा मैं ट्राई करूँगा लेकिन ना, तो चलिए अभी आगे के लिए देखते कि लिफ्ट मिलता है या फिर यहीं पर रुकना पड़ेगा। अभी भाई ने मेरे को लगभग 7-8 तक का लिफ्ट दिए, तो 100 किलोमीटर यहाँ से है, लगभग 1.5 से 2 घंटे लगेंगे ना, 1.5 से 2 घंटे का ट्रैवल है ये। तो भाई आपका नाम क्या भाई? अमोल ना, विजय। विजय भाई ने मुझे लिफ्ट दिया है, तो अभी यहाँ से अभी फिलहाल टाइम तो हो गया है लगभग 9:07 हो रहा है, तो लगभग 11 बजे तक पहुँच जाएंगे। तो वहाँ पहुँचने के बाद मैं आपको सारी डिटेल देता हूँ फिलहाल में। तो यार थैंक यू विजय भाई। अभी मैं सातारा आ गया हूँ, सातारा से अभी बस यहीं पर आज रुकना है, तो यहीं कहीं देखूँगा आसपास में टेंट वगैरह लगाऊंगा। यहाँ पे टोल नाका भी है, पुलिस वाले भी है, तो शायद बेस्ट रहे, अच्छा रहे। तो यहीं पे ऐसे मैंने कुछ रास्ते में मैंने गाड़ी उन्होंने रोका तो मैंने कुछ खा लिया है, फिलहाल यहाँ पे देखता हूँ कुछ और खा के और फिर सोता हूँ और टेंट लगा के फिर सोता हूँ। फिर मिल यहाँ पे मैंने अपना टेंट लगा दिया है, आज फिलहाल मैं यहीं पे सो जाऊँगा। और यहाँ से फिर ये देखो, ये सातारा का चेक पोस्ट है, यहाँ पे मुझे वहाँ भाई ने छोड़ दिया था, तो मैं यहाँ पे फिलहाल टेंट लगा के आज यहाँ पे सो जाऊँगा, तो कल सुबह यहीं से मैं गोवा के लिए निकल जाऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही यार, थक चुका हूँ काफ़ी मैं, और मिलता हूँ कल के ब्लॉग में। थैंक यू सो मच।